बीजेपी ने किया अपर्णा यादव के साथ खेला, तो आ गई अपर्णा को मुलायम सिंह की याद। अपर्णा अब सपा में वापसी के लिए दिख रही बेताब, लेकिन सपा में अब एंट्री कोई देने को तैयार नहीं। नेताजी से अपर्णा यादव लगा रही हैं अब गुहार। अपर्णा यादव को लेकर राजभर ने किया खुलासा। जब नेताजी से मिलने गई अपर्णा तो देखिए नेताजी ने क्या कहा। अपर्णा यादव का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने कमा लिया माइलेज और दिखा दिया ठेंगा। क्या अखिलेश यादव को नीचा दिखाने की कोशिश में थी अपर्णा? अपर्णा यादव ने जब बीजेपी में एंट्री ली थी तो सोचा भी नहीं होगा कि जिस बीजेपी का वो दिन रात गुणगान करती हैं, वो उनके साथ ऐसा खेला करेगी और उनकी वफादारी का ऐसा सिला देगी। अपर्णा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बीजेपी उनके सपनों को एक झटके में ऐसे चूर चूर कर देगी। अपर्णा यादव को साथ लाकर बीजेपी ने तो खूब सुर्खियां बटोर ली, लेकिन अपर्णा यादव के हाथ लगा सिर्फ और सिर्फ ठेगा। अपर्णा यादव अब अपने फैसले पर पछता रही हैं या फिर पछताने का नाटक कर रही हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब वो सपा में वापसी के लिए बेताब दिख रही हैं और नेताजी मुलायम सिंह यादव को मनाने में जुटी हैं। अपर्णा यादव अब कोशिश कर रही हैं कि सपा उन्हें अपने साथ ले ले, लेकिन अब अपर्णा को सपा में आने के लिए मशक्कत करनी होगी। अपर्णा यादव ने सपा में आने के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और मुलाकात में क्या बात हुई इसका खुलासा सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया। राजभर पहले भी चौंकाने वाले कई दावे करते रहे हैं और उनके दावे हकीकत भी साबित हुए हैं। ऐसे में अब अपर्णा यादव को लेकर राजभर ने जो कहा है उससे सियासी सुर्खियां बन रही हैं और जनसत्ता जैसे प्रतिष्ठित अखबार इस पर अपनी राय दे रहे हैं। अपर्णा यादव की इस हरकत पर अब सपाई सवाल दाग रहे हैं और अपर्णा यादव को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के बाद ही सपा में शामिल करने की बात सोचने की बात कहते हैं। उधर बीजेपी ने अपर्णा यादव को लालच दिखाकर अपने साथ तो कर लिया, लेकिन जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। अपर्णा यादव पहाड़ी होने के नाते लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से टिकट चाहती थी, लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। कैंट विधानसभा पर पंडित और पहाड़ी वोटर निर्णायक स्थिति में हैं, राजपूत भी अच्छी खासी संख्या में हैं। ऐसे में अपर्णा को लगा सपा नहीं तो बीजेपी उन्हें जरूर कैंट सीट से टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने यहीं पर खेल कर दिया और अपर्णा यादव की जगह अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को साधते हुए बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को मैदान में उतार दिया। अब जब बीजेपी ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं तो अपर्णा यादव खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के हाथ पांव जोड़ रही हैं। वहीं जब से ये खुलासा हुआ है तब से सपा नेताओं का कहना है कि अपर्णा यादव खुद को सबसे ऊपर मानती हैं और घमंड में चूर रहती हैं। घमंड के ही चलते उन्होंने बीजेपी में इसलिए एंट्री ली थी कि वो अखिलेश यादव को नीचा दिखा सकें, लेकिन अपर्णा का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया और बीजेपी ने उन्हें उनकी सही जगह दिखा दी। सपा नेताओं का कहना है कि अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो गलत था और सपा में गलत लोगों की जगह नहीं है। ये आरोप और बयान सपा नेताओं के हैं। अब देखना यह है कि मुलायम सिंह यादव क्या अपर्णा यादव को फिर से पार्टी में लेने का फैसला लेते हैं या फिर अपर्णा अब सिर्फ सपा के खिलाफ बीजेपी का एक मोहरा मात्र बनकर रह जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।